सभी को नमस्ते। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब शिवरात्रि आने वाली है और इस दिन हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हमारा ऑरा पॉजिटिव रखने के लिए हमें इस दिन क्या करना चाहिए? आप जिस भी तरह से पूजा करते हो, चाहे फिर आप एक लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ाते हो या फिर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, कुछ लोग 108 बेलपत्र चढ़ाते हैं, कुछ लोग चावल चढ़ाते हैं, तो आप जिस भी तरह से पूजा करते हो उस तरह से पूजा अवश्य करें। साथ ही 3 मंत्र जो है उनमें से आप कोई भी मंत्र पूरा दिन सुन सकते हो या सुन सकते हो या बोल सकते हो। पहला मंत्र 3 अक्षरों का मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा मंत्र यानी महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतान। इन 3 मंत्रों में से या फिर पंचाक्षर मंत्र जो है नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इनमें से आप कोई भी मंत्र जो आप हमेशा से सुनते आए हो या बोलते आए हो वो मंत्र आप जप कर सकते हो। 108 बार करो या उससे भी ज़्यादा हो, पूरा दिन भी अगर आपके माइंड में मंत्र ही चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी और आपको इजीली आपकी विश पाने में हेल्प होगी। साथ ही आप पूरे विधि से जिस तरह पूजा करते हो उस तरह करें। साथ ही व्रत अगर रखते हो तो व्रत भी करें और भगवान शंकर की पूजा आराधना कर अपनी सारी इच्छाओं को प्राप्त कर ले। जिस तरह आपको पता है कि हम भगवान शिव को भोलेनाथ भी बोलते, वो तो इतने भोले कि आपकी कोई भी विश आप अगर पूरे दिल से और विश्वास से उनसे मांगोगे तो वो अवश्य पूरी हो जाएंगी। और वो आपको बहुत भोले इसलिए वो आपको जल्दी से दे ही देंगे। इसीलिए बस उन पर विश्वास करें और उनकी कृपा आप पर अवश्य होंगी। ओम नमः शिवाय। साथ ही आप शिव पुराण सुन सकते हो और शिव जी के भजन उन्हें भी सुन सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये सब बातें आप हर घर पहुंचा सकते हो ताकि सभी लोग अपनी विश को इजीली मैनिफेस्ट कर सके। थैंक यू सो मच।